Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a famous poet, Oliver Goldsmith, and his poem The Village Schoolmaster. Dear students, the Oliver Goldsmith. और उसकी फोइम द विलेज स्कूल मास्टर जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हम बहुत इसका गहन अध्ययन करेंगे विस्तृत अध्ययन करेंगे मेरा मकसद ये वीडियोज जो बनाने का है वो सिर्फ और सिर्फ बीए क्लास के लिए नहीं है बल्कि मैं वीडियोज के माध्यम से आप सबको यूजी पीजी और उससे भी आगे बढ़कर स्टेट स्लेट और सेट यूज़ीसी नेट फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर सेंट्रल स्कूल टीचर्स स्टेट स्कूल टीचर्स एंड इवेंचुअली असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन सब को ध्यान में रखकर हम इन वीडियोस को बना रहे हैं विस्तृत और गहन अध्ययन आपकी बहुत मदद करेंगे तो मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि इन वीडियोस को ध्यान से सुने ध्यान से पढ़ें और जरूर इन पे गौर करें काफी अध्ययन के बाद I mean, videos Kovanare. Hope that you will enjoy it. Oliver Goldsmith was a great essayist, poet, playwright, and novelist. He left nothing that he did not adorn. He was the most charming, the most versatile, and the most lovable of all the literary figures who brought fame to the age of Johnson. Oliver Goldsmith had an ugly face disfigured by smallpox.

अट्रैक्टिव था मधुर था सौम्य था और बड़ा शानदार व्यक्तित्व भी था उनका ही वाज गुड एट हार्ट बहुत काइंड हार्टेड थे ही वाज सो सिंपल ऑफ माइंड दैट मेनी टाइम ही वाज अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड और दिमाग से इतने सिंपल थे बिल्कुल क्रुकिट नहीं थे इसलिए वो अधिकांश फ्रॉड के शिकार भी हो जाते थे लोग उसके साथ चीटिंग भी कर लेते थे ऑप्टिमिस्टिक एंड बड़े आशावादी और एक विशनरी थे विशनरी मतलब भविष्य भविष्य दृष्टि जो होते हैं यानी कि भविष्य में लंबी सोच रखने वाला इंसान था वो वॉज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ड्रेस कपड़ों से बहुत प्रेम था उनको फॉर मनी एंड ऑलवेज स्पेंट मोर दे ट्रबल और कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने कितना पैसा उन्होंने कमाया कितना लगाया बस जितना कमाते थे उससे डबल लगाते थे एक वो जो आपने मूवी आई थी कि हाँ कमाई अट्ठनी खर्चा रुपया वो वाली बात है कमाते अठन्नी थे और लगा देते थे रुपया इसलिए हमेशा वो कर्ज में रहते थे मुसीबत में रहते थे विद ऑल दिस क्वालिटीज हिज कैरेक्टर डिड नॉट पोजेस दैट फोर्स इज़ नेसेस टू अचीव सक्सेस इसलिए उनको मटीरियल सक्सेस ज्यादा नहीं मिल पाई यानी पैसों से ज्यादा वो समृद्ध नहीं हो पाए हालांकि बहुत ही लर्नेड वो लेकिन मटीरियल ही इतने सक्सेसफुल नहीं रहे वॉज अ गुड मैन बट ही हैड ए वेरी क्लमजी एंड ऑकवर्ड मैनर ऑफ स्पीकिंग रोट लाइक एन एंजल बट टॉक्ट लाइक ए पुअर फॉर लिखने में बड़े माहिर थे लेकिन बात करने में अच्छे नहीं थे बात करने का तरीका अंदाज इतना ज़्यादा मन को लुभाने वाला नहीं था मतलब राइटर तो बहुत ही फैसिनेटिंग थे लेकिन बोलने का अंदाज मैनरिज्म ज़्यादा नहीं थे इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे As a school, sorry, as a scholar, he was careless and superficial, but as a literary artist, he occupied a very important position. Dr. Johnson, Sir Joshna Reynolds, and Mary Hornuck were some of his very close friends. Oliver Goldsmith died in died in 1774 at the age of 46. 46 years me लेकिन बहुत बड़ा नाम कमा गए गॉड स्न एज द टूलर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनकी ज्यादातर ये नेट सेट में पूछी जाती है तो आपको ध्यान में रखने हैं इन चीजों को अभी से ध्यान रखेंगे तो बाद में आपको ज्यादा मुसीबत मुसीबत नहीं आएगी और बहुत ही इजीली आप नेट सेट के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे तो यहीं से गहन अध्ययन आप शुरू कर दीजिए मेरा आपसे निवेदन है उसकी टू कॉमेडीज भी है उन्होंने कॉमेडीज भी लिखी है द गुड मैन एंड शी स्टूप्स टू कौका शी स्टूप्स टू कौका बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं नेट सेट में तो।, तो इसलिए आप ग्रेजुएशन में ही मेरा कहने का मतलब ग्रेजुएशन में ग्रेजुअली आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा आपका मिशन आपका एम बड़ा होना चाहिए और कलाम साहब ने कहा है डॉक्टर अब्दुल अब कलाम ने कि स्मॉल एम इज ए क्राइम छोटा लक्ष्य अपराध है तो लक्ष्य अपना बड़ा रखना है और जब लक्ष्य आपका बड़ा होगा तो आपकी मेहनत अपने आप ज्यादा हो जाएगी बड़ी हो जाएगी शी स्टूप्स टू कॉन्कर द गुड नेचरड मैन ये दो उनकी कॉमेडीज लिखी है और एक उसका नोवेल भी है इनका वो है द विकर ऑफ वेकफील्ड विकार ऑफ वेकफील्ड बहुत फेमस नॉवेल है उनका बहुत पॉपुलर रहा है हिज कंपैशनट नेचर एंड जीनियल ह्यूमर शाइन थ्रू हिज राइटिंग्स उनकी नेचर बहुत ही कंपैशन कंपैशनट है यानी कि बहुत ज्यादा वो है, बहुत कंपेशनेट है काइंड हार्टेड है और ह्यूमर उनका बड़ा जीनियल है जीनियल तो ये बात हुई ओलिवर ओवर गोल्ड स्मिथ साहब की अब हम बात करेंगे इनकी जो पोईम आपके प्रेस्क्राइब है सिलेबस में दैट इज विलेज स्कूल मास्टर विलेज स्कूल मास्टर एक्चुअली ये एक एक्सट्रैक्ट है एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक भाग एक सेगमेंट एक टुकड़ा जो कि एक बड़ी पॉइंट से लिया गया है दैट इज द डेजर्टेड विलेज डी स्टूडेंट्स यहां जो विलेज है डेजर्टेड विलेज है जो स्कूल मास्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो डेजर्टेड विलेज एक इमेजनरी विलेज है गोल्ड स्मिथ के दिमाग की उपज है और उसका नाम आपको याद रखना है वो है ओबर्न ए यू बी यू आर एन ओबर्न ओबर्न विलेज है उनके बारे में बात करते हैं और स्पेसिफिकली इस विलेज में एक तरह का मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग है यानी कि पास्ट की अच्छी चीज़ों के बारे में रेमनीसेंट हो जाते हैं वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं और सैड भी हो जाते हैं क्योंकि विलेज है जो एक समय था जब बहुत चहल पहल हुआ करती थी बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही शानदार विलेज था लेकिन उसके बाद हुआ क्या ये विलेज डेजर्टेड हो गया क्यों हो गया क्योंकि अर्बनाइजेशन शहरीकरण नगरीकरण की वजह से लोग सारे के सारे एमिग्रेट हो गए विलेज से शहरों की तरफ और विलेज है वो डेजर्टेड हो जाता है अब यहाँ पे जो ओलिवर स्मिथ ने डिस्क्राइब किया है उस विलेज में अपनी यादें बया कर रहे हैं कि वो स्कूल में जब स्टूडेंट थे तो किस प्रकार उनके टीचर उनको पढ़ाते थे और वो टीचर का व्यवहार कैसा हुआ करता था वो पूरा कैरेक्टर स्केच यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है डिलीमिनेट किया गया है इस पोइम के माध्यम से स्कूल मास्टर के बारे में तब थोड़ा देख लेते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं द विलेज गर्ल्ड स्मिथ राइट्स अबाउट ही कॉल्स ओबर्न ए यू बी यू आर एन ओबर्न ये नाम है विलेज का इन हिज डेजर्टेड विलेज

डोमेन की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार एटीन सेंचुरी के अंदर जब मशीनीकरण हुआ जब इंडस्ट्र, इंडस्ट्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया जब अबेशन होने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट था अबनाइजेशन क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मशीनीकरण हुआ तो इंडस्ट्री में लोगों की ज़्यादा लेबर क्लास की डिमांड दि, बढ़ी तो विलेजेस से गाँवों से लोग प्लान करने लगे माइग्रेट होने लगे और वो शहरों में जाके बस गए और इस प्रकार गांव लगभग सारे डेजर्टेड होने लगे खाली होने लगे वीरान होने लगे गाँव तो ये सारे गांवों का एक गांव इन्होंने एक अपने दिमाग की ऊपर ओबन नाम से विलेज रखा है और ये सारे गाँव की एक दास्तान बया कर रहे हैं यहाँ पे The village is depopulated now and the reason attributed for depopulation is the fascination of the comforts of the city. Second comforts city life. City returns to the village that he knew as vibrant and alive and finds it deserted and overgrown. The vibrant and But it's brightly. Jita jagta. विलेज एक इंसान की तरह था जो अब डिजर्टेड वीरान हो गया है ही लेमेंट्स द डिकेड कंडीशन ऑफ द विलेज और उस पे वो दर्द बयां कर रहे हैं दुख प्रकट कर रहे हैं विलाप कर रहे हैं कि कैसी कंडीशन हो गई है इसकी दर्दनाक गांव की रिमेंबर्स द गुड थिंग्स ऑफ विलेज लाइफ इंक्लूडिंग दिस अफेक्शनेट फ्यूमरस पोर्ट्रेट ऑफ द स्कूल मास्टर और तो वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं जिसमें अपने स्कूल मास्टर के पोर्ट्रेट को भी वो डेलिनेट कर रहे हैं द पॉइंट डिस्कसेस द कैरेक्टर ऑफ विलेज स्कूल मास्टर द विलेज स्कूल मास्टर उरेन हिज लिटिल स्कूल वाज अ सीवियर डिसिप्लिनरियन विलेज स्कूल मास्टर जिसके बारे में बातें हो रही है बहुत ही एक बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन थे यानी डिसिप्लिन लवर थे वो. The students were were afraid of him and were sufficiently clever to assess from his face whether that day would bring any misfortune or not. और बच्चे जब क्लास में होते थे जब एंटर करते थे तो बच्चे इतने क्लेवर इतने चालाक थे कि टीचर के फेस के एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन से ही वो भाप लेते थे कि आज टीचर का मूड क्या है सही है कि खराब इतने चालाक बच्चे थे कि आज मिस फॉर्चून होगा कि फॉर्चून होगा आज का दिन अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्टनेस स्कूल मास्टर वाज़ जॉली हाँ स्ट्रिक्ट जरूर थे वो लेकिन उसके बावजूद भी बड़े जॉयस मूड के थे जॉली हार्टेड थे मजाक भी करते थे द चिल्ड्रन लाफ एट हिज जोक्स विद प्रिटेंडेड जॉय इफ दे नोटिस्ड एनी साइन ऑफ एंगर ऑन हिज फेस न्यूज थ्रू the द्लास और बच्चे जब वो जॉक सुनाते थे तो बच्चे बड़े मतलब आर्टिफिशियल लाफ्टर, लाफ्टर। यहाँ पे मतलब वो जॉक सुनाते थे तो बच्चों को चाहे समझ में आए चाहे ना आए वो हंसते जरूर थे उनको पता था कि यदि जॉक सुनाने के बाद भी यदि हंसेंगे नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा टीचर को इसलिए वो समझते थे बच्चे इतने चालाक हुआ करते थे कि जैसे जॉक सुनाया और एट द एंड ऑफ द जॉब सारे बच्चे हंसने लग जाते थे तो खुश हो जाता टीचर कि वाह समझ में आया बच्चों को हालांकि मास्टर वोज इन रियालिटी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का इंसान है आ, आप कह सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कॉकोनट से नारियल से जैसे आपने देखा है कोकोनट होता है उन इसका जो आउटर पार्ट जो एक्सटीरियर पार्ट है वो कितना हार्ड होता है बहुत ज़्यादा हार्ड टफ होता है लेकिन जब ये इसको तोड़ते हैं तो अंदर का जो करनेल है वो तो बहुत सॉफ्ट होता है गिरी है इसकी बहुत सॉफ्ट होती है ऐसा ही कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है इस स्कूल मास्टर का और लगभग डी एस टीचर्स ऐसे ही होते हैं टीचर्स का दिल बहुत ही काइंड होता है बहुत ही बड़ा होता है और खम्पेशन सिम्पैथी और इम्पैथी so, दिल लबरेज रहता है टीचर का और रियल टीचर वही होता है जिनका दिल इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ट्रेड्स इन फीचर्स से इन क्वालिटीज से बड़ा हो वही टीचर होता है रियल में हाँ बच्चों के सामने दिखने में स्ट्रिक्ट होना जरूरी भी है लाजमी भी नहीं होंगे तो डिसिप्लिन नहीं होगा डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्टडी नहीं हो पाती है अच्छी बात है लेकिन बच्चों के लिए दिल में एक बहुत ज्यादा सम्मान इज्जत सिंपैथी कंपेशन ये सब गुण होने चाहिए और वो इस टीचर में है तो इस प्रकार ये कोकोनट की भांति है दिखने में बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत कोमल है और वो सिर्फ एक ही नहीं थे सिर्फ उनको ज्ञान किताबी ज्ञान ही नहीं था बल्कि वो एक वर्सिटाइल पर्सनैलिटी है, कह, कह है? मल्टीफेरियस और मल्टीफेटेड पर्सनैलिटी यानी कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कैसे कि उनको हर प्रकार का प्रैक्टिकल नॉलेज था उन टीचर को ही कुड राइट लिख सकते थे पढ़ सकते थे वर्कआउट मैथमेटिक्स बहुत शानदार थी उनकी गणना बहुत कैलकुलेशन बहुत शानदार करते थे वो सर्वे लैंड और लैंड को बता देते थे दिमाग से बैठे बैठे एक जगह की कि लैंड कितनी है कितनी है लैंड का सर्वे कर लेते थे फोकस देंड और मौसम के बारे में बता देते थे कैसा मौसम आगे रहेगा मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते थे एंड मेशर द कंटेंट ऑफ एसल और किसी कंटेनर वेसल का कंटेनर कंटेनर किसी container में कितना पानी है कितना दूध है या कितनी शुगर है या कितना मिल्क है या कितनी कोई चीज किसी कंटेनर में पड़ी है तो वो बिना माप तोल के वो अंदाजन बता देते थे, थे और एग्जैक्टली मोर और लेस उतना ही होता था तो ये उनमें एक स्किल थी जबरदस्त इस, इस स्कूल मास्टर में ये हर किसी में नहीं होती है

बड़े बड़े वर्ड्स को जार्गन्स को यूज करना शुरू कर देते हैं वर्बोस जार्गन्स को यूज करना शुरू कर देते तो गांव के लोग तो जानते नहीं समझते नहीं थे कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है तो इसलिए लोग सरेंडर कर देते थे लोग समझते थे कि हाँ ये जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं मतलब तो इनका आर्ग्यूमेंट वाजिब है और जो बात वो रखते थे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अग्रेसिव वे में रखते थे तो गाँव के लोग डर जाते थे और वो सरेंडर कर देते थे कि हाँ जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट लग रहा है मुझे हम्म एंड वर अमेज दैट सच ए स्मॉल हेड कुड हेड कुड होल्ड सच एन इनॉर्मस हॉर्ड ऑफ नॉलेज और विलेज के जो लोग थे वो बहुत ही अमेज सरप्राइज हुआ करते थे, थे कि भाई इतना छोटा सा दिमाग में इतना हॉर्ड ऑफ नॉलेज यानी इतना एक ट्रेजर ऑफ नॉलेज कैसे भरा जा सकता है तो ये हमने थोड़ा इसकी कुल मिला के मोटा -मोटी थीम को डिस्कस किया है कि किस प्रकार कैरेक्टर कैरेक्टर स्केच ऑफ स्कूल मास्टर को हमने डिस्कस किया और अब हम लेते हैं टेक्स्ट ऑफ द पोएम टेक्स्ट में क्या बातें की गई है लाइन बाय लाइन लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट द विलेज स्कूल मास्टर बिसाइड योन स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग फेंस दैट स्कर्ट्स द वे विद ब्लॉसम्ड First, unprofitably gay, there in his noisy mansion, skilled to rule, the village master taught his little school. A man, severe he was, and stern to view. I knew him well, and every truant knew well had the boarding tremblers learned to trace the day's disasters in his morning face. So, all we will discuss this words a few words.

तो श्रब्स की जो बाड़ होती है उसको फेंस कहेंगे हम यहाँ पे दैट स्कर्ट्स दैट स्कर्ट्स मतलब सराउंड्स द वे विद ब्लॉसम्ड फर्ज ब्लॉसम्ड फर्ज फर्ज का मतलब येलो फ्लावर्ड श्रब ये येलो फ्लावर्ड श्रब है उसकी बनी हुई है एक एक तरह की बाड़ बनी हुई है अनप्रॉफिटेबली गे यानी यूजलेसली ड्राई इनसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है किससे जो एक तरह की ये बाउंड्री बना रहा है ये जो बाउंड्री बना रहे हैं जो ये फेंस बनी हुई है श्रब्स की फेंस बनी हुई है झाड़ियों की येलो येलो फ्लावर जो श्रब्स हैं जो पीले फूलों की झाड़ियाँ हैं इनकी जो फेंस बनी हुई है ये आपको कुछ नहीं देती है अन प्रॉफिटेबल होती है तो यूजलेसली बहुत ही चमकीली है ये है, जो आपको खुश रखती है देखने में अच्छी लगती है तो वहाँ पे इस स्कूल मास्टर की अपने घर के अंदर इन इस नोएजी मैंशन Mansion, क्योंकि बच्चे शोर मचाते थे मतलब यहाँ पे उनका महल है घर है उस घर में ही स्किल टू रूल और वो अपना वहाँ पे स्कूल चलाते विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल यानी कि अपना स्कूल अपने घर के अंदर ही खोल रखा था और वहाँ अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और ये घर उनका सराउंडेड था किससे एक वो फेंसिंग थे, थे जो कि श्रब्स की बनी हुई थी येलो फ्लावर्स श्रब्स की बनी हुई थी फेंसिंग वहाँ वो पढ़ाते थे अब अब स्कूल मास्टर के बारे में बता रहा है कि कैसा था वो बंदा अ मैन सीवियर ही वॉज सीवियर मतलब कठोर स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न टू व्यू और लुक्स बड़े स्टर्न थे स्टर्न मतलब फ्रॉनी लुक्स यानी कि दिखने में बड़े कड़क कठोर और स्ट्रिक्ट दिखते थे I knew him well, मैं अच्छी जानता था एंड एवरी ट्रेंट न्यू और हर वो भगोड़ा लड़का जानता था उनको बग...

उनके सुबह सुबह मॉर्निंग फेस से ये बात समझ जाते थे डे इज डिज़ास्टर्स डिजास्टर मतलब जो मुसीबत आने वाली अन मिसफॉर्चून ऑफ दिस स्टूडेंट्स जो मुसीबत आने वाली है कि आज क्या मुसीबत डिजास्टर आएगी आज क्या मिसफॉर्चुन हमारे साथ का कि आज हमें ये मारेंगे या हमें ये डांटेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये उनके मॉर्निंग फेस से ही बच्चों को पता चल जाता था सुबह सुबह वो देखते थे तो आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट दिल में आपको जो चलता है वो फेस पे जरूर रिफ्लेक्ट होता है ये बिल्कुल सच है। आपके दिल में यदि आप बहुत दिल से खुश हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी आपका चेहरा बहुत ज्यादा शाइन करेगा और आपके दिल में दुख है दर्द है आप उदास हैं, तो चेहरे पे तुरंत उसका रिफ्लेक्शन आता है Or, read full well they laughed with counterfeited glee all his jokes for many a joke had he full well the busy whisper circling round conveyed the dismal tidings when he frowned yet he was kind or if severe in aunt in aught the love he bore to learning was in, in fault. फुल वेल well, और जब जब कभी भी स्कूल उनको सारे बच्चे या हंसी हंसते थे इस जोक पे अभी हमने बात की थी उनको खुश करने के लिए टीचर को खुश करने के लिए वो आर्टिफिशियल हंसी हंसते थे और आ, रियल लाइफ में भी यही होता है हम देखते हैं कि कोई इंसान जॉक सुनाता है और अब बच्चों को आप जोक सुनाते हो तो बच्चों में से फिफ्टी परसेंटी परसेंट लोग जोक जोक को समझ 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 पाते हैं समझ पाते हैं हैं कई बार बाकी नहीं तो एट द द एंड ऑफ जिनको में आता है वो हंसते हैं तो बाकी बच्चे जिनको नहीं समझ आता वो भी साथ में हंसते हैं वो क्यों हंसते हैं डी इसलिए हंसते हैं कि बाकी लोगों को ये पता ना चले या टीचर को पता ना चले कि तो हमें जोक नहीं आया जब वो बाकी लोग हंसते हैं तो वो भी लोग हंसने लग जाते हैं तो ये होती है यानी कि अनरियल हैप्पीनेस है यहाँ पे यानी कि आपकी आर्टिफिशियल बच्चे।, मतलब बच्चे रियल में नहीं है, खुश नहीं हुए अनरियल है, है. खुशी है उनको उस खुशी में वो हंस पड़ते थे टीचर को खुश करने के लिए कि आ, बाकी लोग हंस रहे हम हं भी हंस रहे मैंने ये जोक हैड ही और जोक का तो भंडार थे वो टीचर पास स्कूल तो मास्टर जोक्स तो जोक थे

ऊपर चढ़ जाती है या फिर दोनों पास पास में आने लग जाती है और हमारे फोर हेड पे लाइनिंग बन जाती है तो इससे पता चलता है कि आदमी को अभी गुस्सा आया है भयंकर गुस्से में है इंसान फेस फेस बोलते हैं जब होता था तो बच्चे क्या करते थे धीरे धीरे विस्पर विस्पर का मतलब या, यानी कि फुसफुसाना वो पूरी क्लास में फुसफुसा देते थे विस्परिंग साउंड में फुसफुसा देते थे कि भैया आज गड़बड़ है मुसीबत आ गई आज यानी मूड सही नहीं है तो किसी की गाज गिर सकती है किसी की वॉट वॉट लग सकती है ये बात है कन्वे द डिसमल टाइडिंग डिसमल टाइडिंग मतलब सैड न्यूज डिसमल टाइडिंग मीन्स सैड न्यूज सैड न्यूज को बच्चे तुरंत कन्वे कर देते थे तुरंत सर्कुलेट कर देते पूरी क्लास में कि आज सर का मूड सही नहीं है आज कोई न कोई शिकार बन सकते हैं Yet he was kind. फिर भी बहुत दयालु थे दिल के बहुत दयालु थे काइंड हार्टेड थे। सिर्फ सीवियर इन ऑर्ट बाकी चीजों में हो सकते हैं वो हर चीज में सीवियर थे हाँ हालांकि हर चीज में वो सीवियर थे यानी कि स्ट्रिक्ट थे लेकिन फिर भी वो दिल से बड़े दहलू थे द लव इ बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट और उनकी एक एक फॉल्ट थी एक ही कमी थी ड्रॉबैक एक ही थी और वो ड्रॉबैक थी कि उनको लर्निंग से बहुत ज्यादा लव था लर्निंग वेरी मच He loved knowledge very much. I yani mean, academics पे बहुत ज़्यादा प्रेम था, This का बहुत शौक था। ये उनकी कमी थी। आप कमी मानो, depends upon you. The village all declared how much he knew. It was certain he could write and cipher too. Lands he could measure, terms and tides, pieces, and even the story ran that he could gaze. In arguing too, the person owned his skill, for even though vanquished, he could argue still. देखिए, the village all declared how much Hindi। पूरे गांव को पता था, पूरा गांव ये जानता था, पूरे गांव ने कह दिया भाई, ये बंदा scholar है, सब कुछ आता है इसको। सारा गांव ये जानता था अच्छी तरह से। Entire village knew this fact that he was a champion.

जब भी अब पार्सन जो रिलीजियस टीचर है एक तरफ रिलीजियस टीचर है एक तरफ ये स्कूल मास्टर है ये दोनों ही बहुत लर्नेड हैं दोनों के बीच में कभी कभार क्या होता था ड्यूअल हो जाता था टसल हो जाती थी आ, वर्बल टसल हो जाती थी यानी कि आर्ग्यूमेंट्स आपस में एक तर्क वितर्क जब चलता था डिस्कशन होता किसी बात पर डिस्कशन में क्या करते थे जब भी स्कूल मास्टर हार भी जाते मान लीजिए

ये आप कह सकते हैं जार्गन्स बड़े बड़े श, शब्दों का यूज करने लग जाता था था लंबे वर्ड्स वर्ड्स डिफिकल्ट वर्डस का यूज करने लग लग जाता था, जब वो हारने जाते थे थंडरिंग साउंड साउंड और बहुत ही जोरदार आवाज डोमिनेटिंग साउंड में अग्रेसिव वे में अग्रेसिव टेम्परामेंट में अपनी बात को रखना शुरू कर देते थे और बड़े बड़े वर्ड्स का यूज करते थे और उससे जो आसपास के जो लोग उनको सराउंड करते थे उनसे घिरे होते थे

और उनका आश्चर्य और आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है स्मॉल हेड हेड कुड कैरी ऑल इन यू कि एक छोटा सा दिमाग इंसान का इस इंसान का इस स्कूल मास्टर का छोटा सा दिमाग इतना सारा नॉलेज अ हॉर्ड ऑफ नॉलेज कैसे कैरी करता है ये बात सोच करके वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते थे बट पास्ट इज ऑल हिज फेम लेकिन ये दो जो लाइन है दिस प्रिंस पॉइंट की जो लास्ट क्लोजिंग लाइंस है ये बड़ा सैड एंड पेसिमिस्टिक एंड मेलान्कली नोट है तो हम ये कह सकते हैं द पोएम एंड्स ऑन ए मेलान्कली नोट और सैड नोट इसमें क्या कहते हैं बट पास्ट अलास पास्ट इज ऑल इट्स फेम वो सारी बातें उनकी फेम नेम पॉपुलैरिटी सब के सब चले गए

यानी कि दैट इज़ फगोटन वो भी फगोटन uh, हो गया है लोगों के दिमाग में नहीं रहा क्यों क्या हुआ लोग भूल चुके हैं लोगों ने विलेज को डेजर्टेड कर दिया है लोग माइग्रेट हो गए हैं सिटीज़ में चले गए अपने कंफर्ट्स के लिए अपने अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी चले गए हैं तो इसलिए अब ये विलेज है जो डेजर्टेड हो गया कंप्लीटली अब यहाँ पे कोई नहीं है और ये डिकेड हो गया है इसलिए पोइट यहाँ पे अपना लेमेंट कर रहा अपने आप को और इस पोइम के माध्यम से उन्होंने अपने जो स्कूल टीचर थे स्कूल मास्टर उनको बहुत अच्छे से उनके कैरेक्टर स्केच को आपने सामने प्रेजेंट किया है और यदि आपको इस पोइम में कुछ भी समझ में दिक्कत हुई है तो प्लीज़ 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 प्लीज, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमेंट लिखें अपने रिएक्शन मुझे भेजें मैं जरूर रिप्लाई करूँगा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल